से चंद घंटे पहले ये बड़ी खबर सामने आई है। सांची विधानसभा सीट के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार को बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। उनके साथ उनके बेटे मुदित शेजवार पर भी यही कार्रवाई हुई है। इस खबर के बाद से पूरी बीजेपी समेत रायसेन जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया, जिसकी वजह बना ये लेटर जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस लेटर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के हवाले से साफ लिखा है कि शेजवार पिता पुत्र को निष्कासित किया जा रहा है। लेटर के वायरल होते ही बवाल मचा तो खुद शेजवार को मोर्चा संभालना पड़ा। शेजवार ने मीडिया के सामने आकर साफ किया कि ये सिर्फ एक अफवाह है और ये लेटर भी फेक है। आज सोशल मीडिया पे मेरे और मुदित शेजवार के निष्कासन का एक फर्जी पत्र जारी हुआ है। जैसे ही हमने उसको देखा तो हम प्रयास कर रहे थे कि ऊपर बात करें, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री श्री सत्येंद्र भूषण का मेरे पास सूचना आई कि ये पत्र फर्जी है और किसी की शरारत है। और उसके ठीक बाद प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का फोन आया कि ये पत्र जो है फर्जी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से इस प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं हुआ है, तो आप इस पर ध्यान ना दें। मैंने ये जो सोशल मीडिया पे पत्र जारी हुआ है एसपी रायसेन को इसकी सूचना दी है कि एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पे जो जारी हुआ है इस पर आप संज्ञान लें। कल मैं लिखा पढ़ी करके जो साइबर क्राइम वाला जो सेल है उसमें इसकी शिकायत कर दूंगा। दरअसल दल बदल कर आए प्रभुराम चौधरी को सांची से टिकट मिलने के बाद शेजवार परिवार की सियासी विरासत खतरे में है, जिसके बाद से ये कयास लग रहे हैं कि शेजवार पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हो सकता है इसी को आधार बनाकर ये फेक लेटर वायरल हो गया, जिस पर शेजवार की सफाई ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है।